पंजाब चुनाव की लड़ाई के बाद भगवत मान पहली बार संसद भवन पहुंचे हैं, बात करते हैं। भगवत मान साहब, पंजाब की लड़ाई के बाद आप संसद भवन में, क्या इरादे हैं पंजाब में, क्योंकि वहां पर अलग अलग खबरें आ रही हैं? कोई खबरें अलग अलग नहीं आ रही, 11 तारीख को फैसला हो जाएगा। जैसा कि आपकी मीडिया की लैंग्वेज है कि मशीनों में उम्मीदवारों की किस्मत बंद हो गई है, लोगों ने अपना डेमोक्रेटिक राइट बहुत ही भारी मात्रा में यूज किया, इस्तेमाल किया, 80% ओवरऑल, और खासतौर पर जलालाबाद जहां से मैं लड़ रहा था सुखबीर वाल के खिलाफ, वहां तो 90% को टच किया। इसका मतलब लोगों ने मशीनों पर गुस्सा निकाला है। लेकिन मान साहब, बात करें बदलाव के लिए वोट हुआ है ये तो साफ है, लेकिन कांग्रेस भी कह रही है उसकी जीत तय है। कांग्रेस तो यहां भी कहती थी दिल्ली में, जो हाल दिल्ली में कांग्रेस का हुआ था वही हाल पंजाब में होने वाला। अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें, मालवा क्षेत्र की बात करें, माझा इलाके, दोआबा इलाके की बात करें, खासतौर से मालवा इलाके में ये कहा जा रहा है कि अपर हैंड रहा है आप पार्टी का, उसकी क्या वजह? पूरे पंजाब में रहा है, आप देखोगे, क्योंकि माझा जो है, गुरदासपुर है, तरन तारण है, पट्टी है, मजीठा है, यहाँ पे पर्चा कल्चर था, लोगों को डराया हुआ था, पर्चे डालते थे, झूठे पर्चे, तो वो लोग इलेक्शन कोड के बाद बाहर निकलना शुरू हुए, इसीलिए आपको लग रहा है, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है। जो आंधी चली है वो पूरे पंजाब में चली है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि झूठे वादों की बुनियाद पर आपने भी पंजाब में महल खड़ा करने की कोशिश की है, दिल्ली में लोग भुगत चुके हैं और वो वादे पूरे अब तक नहीं हुए, अधूरे हैं। करेंगे जी, करेंगे, या हमें घंटों में मत आंकिए कि 2 घंटे हो गए ये वादा पूरा नहीं हुआ। जो वादे किए हैं वो बिल्कुल डिस्कशन करने के बाद हमने अपना मैनिफेस्टो लिखा है। हम आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है, और जो लिखती है वो करती है। तो आप ये दावा कर रहे हैं पंजाब में आप पार्टी की सरकार बन रही है? 11 तारीख को आपकी हेडलाइन होगी।